हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सेकंड वीडियो, इसमें हम करेंगे आज एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज 247। इसमें हमारे पास क्या कंबाइंड फिगर होंगी, कंबाइंड ऑब्जेक्ट होंगे, उनको हमें वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या क्या फर्स्ट क्वेश्चन में। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड शेप है हमारे पास जो कॉनिकल शेप में है और स्टैंडिंग में खड़ी हुई है एक हेमिस्फीयर पर। रब डायग्राम स्केच करते हैं, ये हमारा एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक कॉन, ये हमारा एक सॉलिड फिगर है। विद बोथ देयर रेडियाई बींग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट हमारे रेडियस के बराबर, यानी कि एच बी हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई के टर्म में सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr² कॉमन ले लेंगे, 2r plus h वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकंड, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू कॉन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसने कहा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल तैयार किया सिलेंड्रिकल शेप में और उसके एंड पर उसने 2 कोन अटैच कर दिए। ये सिलेंड्रिकल शेप में उसका मॉडल था और यहाँ उसने जो है दोनों तरफ सेम मेजरमेंट के कोण अटैच किए हैं। क्या कहा इसने, मॉडल की जो डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देयर फोर रेडियस इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ होगी एंड टू एंड 12 सेंटीमीटर, ये हमारी टोटल लेंथ आ गई। इफ ईच कोण हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोण की हाइट, ये हाइट जो है मैं इसे स्मॉल एच कह दूं, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से 2 सेंटीमीटर यहाँ लेफ्ट राइट में आ गया, 2 हमारा लेफ्ट में आ गया, तो लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर एच इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी कितनी, 12 - 2 - 2, 8 सेंटीमीटर हमारी आ गई लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्सन। क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, मॉडल में कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम कितना हो जितना इस मॉडल का वॉल्यूम, वॉल्यूम मॉडल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन, दोनों सेम डायमेंशन के तो डबल कर सकते हैं, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ द कोन, कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h, ये जो r मान लेते हैं πr² h प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, ये हमने स्मॉल h ले लिया, यहाँ से हम πr² कॉमन ले सकते हैं, h प्लस 2 बाई
3H वैल्यू पुट करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड, ए गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू द अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसने कहा एक गुलाब जामुन है उसके अंदर जो सुगर सिरप होगा वो लगभग उसके वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सुगर सिरप का वॉल्यूम है वो निकालना है। दिया है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसने कहा है गुलाब जामुन जिसकी शेप सिलेंड्रिकल शेप है और इसके एंड हेमिस्फीयर, जैसे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कैप्सूल वाला क्वेश्चन था ये दिया है। इसकी लेंथ इन टोटल लेंथ है, ये हमारी टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया कितना, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी कितनी आ गई 2.8 by 2 1.4 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर पोर्शन टोटल लेंथ में से रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर घटा देंगे, टोटल लेंथ 5 में से डायमीटर 2.8 कैंसिल, कितना आया जी 2.2 सेंटीमीटर हमारी कैपिटल एच आ गई हाइट ऑफ द सिलेंडर पोर्शन। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30% सुगर सिरप, 45 का कहा तो 45 into मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ द सुगर सिरप इज इक्वल टू 45 इसलिए कि 40 गुलाब जामुन के लिए कहा है, 45 into 30% ऑफ, या फिर स्टार्टिंग में कर लीजिए 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन, 30% 30 by 100 इंटू 45 वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, वॉल्यूम के लिए हम कंबाइंड फिगर है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कंप्लीट स्फीयर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। जीरो कैंसिल करें, 43 into 45 by 10 इंटू यहाँ से भी हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया क्या बच गया एच प्लस 4/3 r। अब वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी फोर्थ, ए पैन स्टैंड मैट ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड पैन। इसने कहा एक पैन स्टैंड बनाना है, हमारे पास एक क्यूबिकल वुड ब्लॉक है इस तरह से। अब इसके अंदर इसने 4 conical डिप्रेशन किए हैं, 1 conical डिप्रेशन से बहुत यह आ गया इस तरह से, ये किए। फिर कहा द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर,
15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट एच 3.5 सेंटीमीटर। फिर जो हमने डिप्रेशन, कॉनिकल डिप्रेशन जो किया है उनके लिए दिया है, उनकी रेडियस आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, स्टैंड में कितनी वुड है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिफ्थ, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक बर्तन है जो उल्टे कोण की तरह से है, जैसे ये हमारा एक वेसल आ गया। इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्टॉप विच इज ओपन इज 5। हाइट एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम व्हेन लैड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जब इस वेसल, ये वेसल जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर हमें लैड शॉट डालें, लैड शॉट डालने से ये पानी बाहर निकलेगा और लैड शॉट की जो रेडियस है वह रेडियस स्मॉल आर मान ली 0.5 सेंटीमीटर। और इसने कहा 1/4 पानी बाहर निकल गया, किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ वेसल। फाइंड द नंबर ऑफ लैड शॉट, तो नंबर ऑफ लैड शॉट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लैड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लोज वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लैड शॉट। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/4 का है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन, कॉनिकल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन लैड शॉट 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, बाई थ्री से बाई थ्री कैंसिल, इस तरह से हम कितना आ गया आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच अपॉन 4/4 16 आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ लैड शॉट आ जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर बेस 24। इसने कहा एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी कितना आ गई 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा है जिसकी हाइट एच मान ली स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो क्या आएगा मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द पोल। डेंसिटी दी है, डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम, 8 ग्राम है तो डेंसिटी हमारी 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल, दो पोल हमारे पास हैं, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर, तो एक आएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले लेंगे 8 पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच 8
पाई दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22 बाई नहीं दिया है 3.14 आर स्क्वायर 12 स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस आर स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू एच 60। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसने कहा एक सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 120 रेडियस 60 है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है जिसकी रेडियस भी 60 ही है, तो इसको रखा गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो पानी से पूरा भरा हुआ है और इसको रखा गया सच दैट इट टचेज द बॉटम, यानी कि एक हमारे पास पानी से भरा हुआ सिलेंडर, अब इसके अंदर रखा हमने एक हेमिस्फीयर जो इसके बाउंड्री टच करता है और इसके ऊपर फिर एक कोण ये रखा है। क्या दिया है सिलेंडर की हाइट, कोण की हाइट ये स्मॉल एच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और स्फीयर की रेडियस भी हमारी 60 है, फिर सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच इज इक्वल टू दिया है इसने 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दिखा रखी है कैपिटल आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्या कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जब पानी से भरे हुए सिलेंडर में हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा तो पानी बाहर निकला, कितना पानी इसके अंदर बचा जो ब्लैंक वॉल्यूम है, तो आंसर आ गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ब्रैकेट सॉल्व करें माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल है जे सिलेंड्रिकल नेक, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और जिसकी नेक एक सिलेंडर शेप में है ऐसा है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर देयरफॉर रेडियस 1 सेंटीमीटर, इस पर पार्ट इस पर पार्ट का डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 8.5/2 सेंटीमीटर। बाय मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाउंड इट्स वॉल्यूम इज 3-4-5 क्यूबिक सेंटीमीटर, चेक वेदर सी इज करेक्ट, यानी कि वॉल्यूम चेक नहीं करना है, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लिया ना इसलिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले सकते हैं बस 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालेंगे, अगर आंसर हमारा 3-4-5 आता है तो सी इज करेक्ट, अदरवाइज सी इज नॉट करेक्ट। दैट्स ऑल, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज हम 13.1।